अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब को दबाएं और साथ ही इस घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, इससे आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे, ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अपनी वीडियो आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है अदरक लहसुन की रूटीन, जो मैं पीस के रखती हूँ एक हफ़्ते के लिए। वो मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मुझे पीसना है, तो इसलिए मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ दो तीन चीज़ें शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये अदरक लहसुन पीसती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको, आप आगे देखिएगा मेरी वीडियो में कि मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करूँगी आज। तो ये देखें, मैंने लहसुन जो है मैंने छील तो लिए हैं, लेकिन मैं कुछ लहसुन को हाफ या मतलब दो तीन पीस में कटिंग कर लूँगी, ताकि जब मैं मशीन चलाऊँ तो उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े और ये जल्दी से ब्लेंड हो जाएंगे, क्योंकि अदरक भी थोड़ी सी हार्ड होती है, और तो इस वजह से मुझे लहसुन थोड़े से इस तरीके से पीसीस में कर लेती हूँ ताकि मशीन जल्दी से चल जाए। तो ये देखे, मैंने जग में अदरक लहसुन मैं ये थोड़ा थोड़ा करके पीसूँगी, और ये मैंने इसमें भी हाफ़ लिया है, और ये देखें, और साथ ही इसमें मैंने ऑयल लिया है। और सभी जानते हैं कि ऑयल और नमक ऐड करने से ये आप एक हफ़्ते तक एक महीने तक आराम से इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसका कलर चेंज नहीं होता है, तो इस वजह से ये यूज़ किया जाता है। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जो मशीन को मैं साफ़ कर रही हूँ, तो आप लोग के साथ ये भी मैं आज शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ जब मैं अपना अदरक लहसुन, क्योंकि मैं अदरक लहसुन के अलावा कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पीसती हूँ, मसाले वग़ैरह। हाँ, कभी अगर कबाब है बनाना होता है तो तब बस यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती मैं मशीन। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा मुझे लग रही थी गंदी है, तो मैंने इसको क्लीन कर दिया, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो ये देखें, मैं इस तरीके से सारी मशीन को, बर्तन धोने वाला ये फेरी है, इसी से ही मैं थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ, मैंने और कुछ भी नहीं लिया इसको। और मैं इसमें पानी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मशीन है तो पानी जाने का ख़तरा होता है। तो बस मैं ये सिर्फ़ ये हल्का सा फेरी लिया है, और इसको मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और ये जो आप देख रहे हो मैं जिससे साफ़ कर रही हूँ, ये मेरी पुरानी बच्चों की जो शर्टें होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, तो फिर मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ कोई चीज़ साफ़ वगैरह करने के लिए ना। तो ये देखें, मैं इस तरीके से ये मशीन को सिर्फ सूखे कपड़े से मैं ये साफ़ कर रही हूँ, मैंने कोई पानी वगैरह इस पर कुछ नहीं लगाया है, और ये अच्छे से मैं इससे साफ़ कर रही हूँ, और हर जगह से मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि अब इसके जो जगह है वो, ये देखें इस साइडों में इस तरीके से मैं, यहाँ पे आप कोई चीज़ जा नहीं सकती है, तो ये मैं इस तरीके से छुरी से साफ़ कर रही हूँ, और मैं इस तरीके से ये छुरी से सारे कपड़ा अंदर फंसा के अच्छे से जो मैंने फेरी से साफ़ किया उसको खुश कर रही हूँ। हर किसी का अपना तरीका होता है, हर किसी की अपनी सहूलत होती है जो जिस तरीके से साफ़ करता है। तो मेरा ये सिंपल सा सादा सा तरीका है जो मैं अपना घर में कर, जो भी चीज़ मुझे क्लीन करनी होती है तो मैं कोई भी वेस्ट कपड़ा ले लेती हूँ, तो ताकि मुझे कोई और चीज़ें जैसे लेने की या कोई और जो साफ़ करने के जो इतने ज़्यादा कपड़े वगैरह होते हैं मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती है, मैं इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि कपड़ों को यहाँ पे हम लोग किसी को दे भी नहीं सकते, ना ही हम फेंकने को भी दिल नहीं चाहता, तो फिर आप इस तरीके से यूज़ कर लेते हो। मैं हर काम के लिए, मुझे अगर कोई कैबिनेट साफ़ करना है, चूल्हा साफ़ करना है, पंखे साफ़ करने हैं, मैं उन सब चीज़ों के लिए कोई भी वेस्ट अपनी बच्चों की जो रखे हुए होते हैं कपड़े, मैं अलग से शॉपर बांध के रख देती हूँ, तो फिर मैं इस तरीके से उसको वेस्ट को साफ़ करती हूँ। मैं कोई भी कोई ख़ास एक कपड़ा जो होता है वो नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे इसी तरीके से वेस्ट कपड़े जो बच्चों के होते हैं छोटे हो जाते हैं,
जिनसे मैं साफ़ कर सकती हूँ, यानी कि जो नरम कपड़े होते हैं, यानी आप पैंटों से साफ़ नहीं कर सकते, आप जो रेशमी कपड़े होते हैं उनसे साफ़ नहीं कर सकते, इस तरीके से सॉफ़्ट कॉटन की जो शर्टें होती हैं मैं उनको यूज़ करने में लेती हूँ ज़्यादातर। तो ये देखें मैंने अपनी मशीन को साफ़ कर लिया है और बस अब मैं इसको इस तरीके से तार को लपेट के रख दूँगी। और जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक और रूटीन, ये आप देख सकते हो कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मैं फ्रोज़न चिकन यूज़ करती हूँ, फ्रोज़न चिकन मैं कटिंग करके रख लेती हूँ पहले से ही। तो जो मैं कटिंग करके रखती हूँ वो किस तरह कटिंग करती हूँ वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मेरी वीडियो देखती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि आप और साथ ही आप बेल आइकॉन को दबा दिया करें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि कुछ हैं जो मुझे लगता है कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से कह रही हूँ जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपका क्या जाता है, एक क्लिक ही तो करना होता है आप लोगों को, तो बस इससे एक हमारी सपोर्ट हो जाती है। जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो इससे आप हमारे एक सपोर्ट मिल जाती है, आप हमारे को सब्सक्राइब कर देते हैं, और अगर आप बेल आइकॉन दबा देते हैं उससे तो आप अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वो आपको जो भी हमारी नई वीडियो होगी वो आप मिस नहीं करेंगे। तो ये देखें मैं इस तरीके से जो चिकन है इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के पानी में रख दिया था, तो काफ़ी देर इसको मैंने पानी में रखा है, जब तक मैं अदरक लहसुन वगैरह अपना छील रही थी और अपनी मशीन साफ़ कर रही थी तब तक मैंने इसको पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब ये अच्छे से सॉफ़्ट हो गई, इसकी बर्फ़ जो है पिघल गई है अच्छे से, तो मैं ये कटिंग कर दूँगी, क्योंकि मुझे सालन बनाना होता है तो मैं इसे इसके छोटे छोटे, यानी कि जिस तरीके से हम चिकन बाज़ार से लेते हैं पीसीस में, मैं उस तरीके से इसके छोटे पीस कर लूँगी और मैं इसको सालन के अंदर यूज़ करूँगी। अगर मुझे अगर इन्हें फ्राई करना होता है तो फिर मैं इसके जैसे जितने पीस करने होते हैं, जैसे लेग पीस रखना होता है, अगर चार पीस करने होते हैं तो चार पीस, आठ पीस करने तो आठ पीस, इस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी तो मैं काफ़ी अरसे से मैंने कोई भी चिकन फ्राई नहीं किया है, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश नहीं की तो मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे भूलते हैं तो तभी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ इस तरीके से, वरना मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस और अभी आप लोगों के साथ वीडियो मुझे शेयर करनी होती है तो मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं कुछ चीज़ें ला करके रखनी होती हैं एक्स्ट्रा, तो मैं इस तरीके से ये चिकन वगैरह जो एक्स्ट्रा ला करके रख लेती हूँ, ताकि फिर मैं आपके साथ जो रूटीन है वो अपना कंटिन्यू कर सकूँ। तो आज मैं सिर्फ अपना वीडियो आप लोगों को ये किस तरीके से मैं अपना चिकन कटिंग करके रखती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, इससे आप मेरी नई आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो जी ये देखें मैंने इस तरीके से इसके पीस कर लिए हैं। अच्छा थोड़ी सी मुझे मुश्किल होती है क्योंकि मेरे पास कोई इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको रख कर के, स्लिप होती है या काउंटर होता है तो आप उस पर आराम से कटिंग कर लेते हो, तो मुझे थोड़ी सी इस चीज़ का रहती है, लेकिन मैं मैनेज करती हूँ जब तक मेरे पास कोई सहूलत नहीं है। तो ये देखें मैंने लेग पीस अलग कर लिए हैं और जो भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो इसकी स्किन है वो मैं रिमूव कर रही हूँ, और कैंची से इजी हो जाता है, बनिस्बत छुरी से आपको थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है, कैंची से इसके जो पार्ट हैं जो इसके पीसीस हैं वो जल्दी जल्दी अलग हो जाते हैं, फिर आप छुरी से इसको फिर आप इसको छोटे छोटे पीस में कर लेते हैं, यानी मैं कर लेती हूँ। तो ये देखें मैं जो भी इसकी एक्स्ट्रा स्किन है जो इसकी जो लगी हुई है वो मैं साथ साथ इसके रिमूव कर रही हूँ कैंची से अच्छे से, और मैं ये सारे पीस इसके कर लूँगी। तो जी मैं इस तरीके से अपना जो चिकन है
जब बनाती हूँ तो पहले इस तरीके से इसको कटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी या कोई अपना लंच रूटीन है शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सारा जो सामान अपना कटिंग करके इस तरीके से रखती हूँ। तो ये देखें, बस कर रही हूँ मैं आराम आराम से कटिंग। थोड़ा सा आपको इस पे क्या कहते हैं फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ हार्ड पार्ट होते हैं इसके जैसे, तो उनको आपको कट करने के लिए थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है, वरना तो ये इजी से कट जाती हैं। पहले मुझे भी नहीं आती थी कटिंग करना, क्योंकि हमने कभी इस तरीके से कोई भी चीज़ कटिंग नहीं की थी पहले, तो मैं नहीं खाती थी ये फ्रोज़न चिकन ना, मैं अपना लाती ही नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आप जब आदी हो जाते हो, रहते हो यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें फिर आप चेंज होती है आपकी लाइफ में। तो बस इसी तरीके से बाद में जब मुझे आइडिया हुआ कि इसको किस तरीके से कटिंग करते हैं, किस तरीके से इसको, तो इसके बाद फिर मैं ये लेकर आने लगी। फिर बच्चे थोड़ा सा चिकन फ्राई करके खाने की फरमाइश करते थे, तो फिर मुझे ये इस तरीके से फिर चिकन ला करके मैं फ्राई करके देती थी। तो अभी तो काफ़ी अरसा हो गया बच्चों ने कोई फरमाइश नहीं की है, तो बस मैं सिंपल सा ही अपना कटिंग करके और अपना सालन वगैरह जो बनाना होता है मैं इस तरीके से सिंपल सा बना लेती हूँ चिकन के साथ में। चिकन इसलिए ऐड कर लेती हूँ कि कोई भी सब्ज़ी या कोई भी दाल या मैं कुछ भी बना रही होती हूँ तो बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं इसको ना, तो इसलिए मैं थोड़ा चिकन इसमें यूज़ कर लेती हूँ अपना, कोई भी सब्ज़ी या चीज़ें बनाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये जो ताज़ा मुर्गी जिसे कहते हैं वो थोड़ा सा महंगी होती है, तो मैं नहीं इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो। जब मुझे इस चीज़ का नहीं पता तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, काफ़ी दिन मैं चिकन नहीं बनाती थी। और हम लोग अपना जो भी हमारी घर की रूटीन होती थी घर ही में, वो बना करके हम लोग खाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा शौक़ भी नहीं था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी चेंजेस आ गई, तो अब मैं इस तरीके से ये चिकन ला करके बना लेती हूँ। और बच्चे शौक़ से खाते हैं तो इस वजह से फिर मैं बना लेती हूँ कि ताकि चलें मैं नहीं खाती तो क्या हुआ, बच्चे तो खा लेते हैं ना। अच्छा, मैंने इसके ये देखें आपने कि मैं अब इसके जो चिकन का जो ब्रेस्ट है इसके पीसेस कर रही हूँ, और ये मैं बिल्कुल नॉर्मल जो हम चिकन कटवाते हैं वो वैसे पीस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका सालन बनाना है। अभी मैंने नहीं सोचा कि मुझे क्या बनाना है, अभी मैं चिकन को सिर्फ कटिंग करके रख रही हूँ, और बनाना है मुझे आज, लेकिन क्या बनाऊंगी, क्या ऐड करूंगी इसके साथ में, ये मैं आप लोगों के से इंशाल्लाह जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, जो भी मैं आपके साथ अपना लंच रूटीन बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों के साथ ये किस वीडियो जो शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ इतना ही कर रही हूँ कि मैं ये चिकन किस तरीके से कटिंग करती हूँ। तो ये देखें, मैंने जो ब्रेस्ट हैं उसके सारे पीस कर लिए हैं, और अब ये थोड़े से हार्ड, ये जो हार्ड होता है लेग का और ये जो पर वगैरह होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो ये मैं इस तरीके से कैंची से कर लूँगी कटिंग। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, यानी मैंने आप लोगों के साथ आप जो भी चीज़ शेयर की, यानी अदरक लहसुन मैंने आप पीसा है, अपनी मशीन को क्लीन किया है ब्लेंडर मशीन को, और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये चिकन जो मैं कटिंग करके किस तरीके से यूज़ करती हूँ वो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं बाज़ इसको पूरा पूरा का पूरा भी फ्राई कर लेते हैं, तो मैं
जो मसाला लगा के फ्राई कर लेते हैं, तो मेरे पास इतना ज़्यादा मतलब जैसे वो नहीं है, ओवन नहीं है मेरे पास। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मल सिंपल सा अपना जो रूटीन है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये मेरी थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।